representatives of both the parties, both the sides. The votes polled in favor of the resolution numbers 50. Thus, so far as the result is concerned, that's before you now. The resolution has not been adopted by the votes of a majority of the total membership of the Senate. Consequently, the resolution is rejected. Khamosh, please. ये नारेबाजी को फिर मुझे उस मेंबर को किसी और तरीके से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपने उन इख्तियारात का इस्तेमाल करूं जो आप पसंद नहीं करेंगे. लेट द प्रोसीडिंग्स बी कंडक्टेड इन इट्स अप्रोप्रिएट मैनर एंड विद द रिक्वायर्ड डेकोरम. अब मैं उर्दू में भी यही बात दोहराऊंगा. करारदाद के हक में 50 वोट पड़े, जिसकी वजह से ये करारदाद मुतलिका एक चौथाई वोट ना मिलने की वजह से रिजेक्ट करार दी जाती है. सॉरी, चूंकि मेरी भी पहली बार इधर बैठा हूं, तो इसलिए जरा मेरे अल्फाज को आप वो करें, इग्नोर करें बाज़ औक़ात. हाँ, ये रेजोल्यूशन जो 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 मेजॉरिटी ऑफ मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, उसके तहत जो शर्त है वो पूरी नहीं कर सकी. मुतलिका तादाद में वोट नहीं पड़े, 50 वोट पड़े हैं, इसलिए ये रेजोल्यूशन, ये करारदाद मुस्तरद तसव्वुर की जाएगी. और ये मुस्तरद के ऊपर है क्या आता है, लेकिन बज़ाहिर जो है वो अपोजिशन को बढ़तरी हासिल है आज इस ऐवान में, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी बढ़तरी शो कर चुके हैं. 64 अरकान ने तहरीक की हमायत की थी. इस तरह आज एक मरतबा ऐवान के अंदर सादिक संजरानी ने अपना वोट कास्ट किया, तो उनके वोट के ऊपर बैलेट के पेपर के ऊपर स्याही जो है वो दो मरतबा लग गई, जिसके बाद उनका वोट जहां उन्होंने आके रिक्वेस्ट की प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कि मुझे दोबारा बैलेट पेपर दिया जाए, जिस पर मशावरत के बाद उनको दोबारा बैलेट पेपर दिया गया, क्योंकि अभी उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया था, सिर्फ उन्होंने आकर बताया था कि वोट पेपर खराब हो गया, उसको दोबारा जो है बैलेट पेपर दिया जाए. जबकि दूसरा ऐवान में एक बहुत नाखुशगवार वाकया पेश आया, जब जो मुस्लिम लीग नून की खातून सेनेटर है नजमा हमीद, वो वोट कास्ट करने आई तो उन्होंने कहा कि मेरी नजर कमजोर है, पास चश्मा भी नहीं है और चश्मा अपने घर भूल आई हूँ. इस पर सेक्रेटरी ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से इजाजत मांगी. उस दौरान जो है वो तलखी हुई हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान कि आयशा रजा फारूक ने नजमा हमीद के कान में आकर बताया कि वो किस तरह वोट डालें और किसको वोट डालें. इस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ठांड पिला दी आयशा रजा फारूक को. लेकिन ये मरला साथ साथ चलता रहा, लेकिन इसके बावजूद जो वोटिंग है वो बिल्कुल पुरअमन माहौल में हुई. लोगों ने जो सेनेटर हैं उन्होंने 100 से ज्यादा. ठीक है खालिद महमूद, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे. इस वक्त गिनती का अमल जारी है और जिस तरह आप हमें अपडेट कर रहे हैं कि 100 सेनेटर्स ने अपना वोट कास्ट किया है और उम्मीद यही की जा रही है, बड़ी वाजे बर्तरी नजर आ रही है ऑपोजिशन की आज के इस इलेक्शन में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो तरीके अदम एतमाद है. डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. रहमान नजर साहब एंकर पर्सन हमारे साथ हैं, याज खान साहब ग्रुप एडिटर और मोहम्मद इलियास ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ हैं. याज साहब, हमारे रिपोर्टर खालिद महमूद भी यही कह रहे हैं कि बड़ा स्मूद अमल गया है और अभी तक जो एक कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है वो ऑपोजिशन का ही नजर आ रहा है कि अददी बर्तरी के साथ ऑपोजिशन अपना चेयरमैन सेनेट ले आएगी. लेकिन नून लीग के जो अराकीन हैं, जो वुजरा हैं, उनका एतमाद तो बहुत ही ज्यादा है. वो तो ये कह रहे हैं बड़े पुरसकून है वो. आपको क्या लगता है इस कॉन्फिडेंट के पीछे रीजन क्या है? देखिए, जब इतने अरकान आपके इशाइये में शरीक हो रहे हो और जब तहरीक पेश की जा रही हो और वो खड़े होके कहेंगे जी हम तहरीक एतमाद पेश कर रहे हैं, तो उसके बाद बज़ाहिर तो कोई गुंजाइश रह नहीं जाती. ये तो लिखी पड़ी बात है ना, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता. लेकिन चूंकि कॉन्फिडेंट हुकूमत वाले भी थे, शिबली फराज एंड तक कॉन्फिडेंट थे कि जी हम 60 उनके हक में वोट आएंगे. अब जाहिर है उन्होंने कहीं किसी चंद सेनेटर से तो बात उनकी हुई होगी. बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सादिक संजरानी साबिक संजरानी हो जाएंगे, वो नहीं बचते नजर आ रहे. अब अगर
हुकूमत कुछ वोट तोड़ने में कामयाब हो जाती है तो ये देखते हैं कि कितने तोड़ती है। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता हमें ये इंतज़ार करना पड़ेगा कि कितनी बड़ी अक्सरियत उनके खिलाफ जाती है सादिक संजरानी, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है मीर हासिल बजिंजो नेक्स्ट चेयरमैन होंगे, वो तो कोई रोक नहीं सकता। अब वो खालिद बता रहे थे डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी, अब बिल्कुल ठीक बात है कि ये डिपेंड करेगा जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद देखेंगे कि उसका क्या करना है। हुआ तो यूं करता है कि कहीं अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई हो तो फिर अलहदा बात होती है कि जी ठीक है आप हमारे चेयरमैन को ना छेड़ें हम आपके डिप्टी को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अगर चेयरमैन उनके गवर्नमेंट के जो सपोर्ट कर रही हार जाते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो मांडवी वाला को भी कोई इशू होगा। लेकिन चूंकि तहरीक जमा कराई भी है मेरा ख्याल है कि वोटिंग तो शायद करानी पड़ेगी जब तक कि वो वापस ना ले लें कि ठीक है जी हम अब वोटिंग में नहीं जा रहे। सही, तो आपके ख्याल में बजिंजो साहब जा रहे हैं? बजिंजो साहब को हो तो जाना चाहिए जो इस वक्त तक नजर आ रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वह और 2-4 मिनट की बात है, काउंटिंग कितना टाइम लगेगा, 100 सेनेटर्स का वोट है। एग्जैक्टली 100 में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता काउंटिंग में। अब रहमान साहब आपके ख्याल में जो कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है बजिंजो साहब का या हुकूमती अराकीन का, इसके पीछे ये रीजन तो नहीं है कि कप्तान साहब जो है इमरान खान साहब उन्होंने कहा जो भी हो आखिरी बॉल तक खेलना है? देखिए ये क्योंकि नंबर गेम है, अब इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि नंबर्स की जब बात आ जाती है तो फिर आपकी पोजीशंस जो हैं वो बड़ी क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पर कोई आर्गुमेंट से तो किसी ने जीतना नहीं है, नंबर्स जो है वही जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, और वो मेरा ख्याल है अभी तक जो है वो अपोजिशन के हक में है। इस कॉन्फिडेंस का उन्हें जो है वो उस वक्त भी अंदाज़ा हो गया जब इन्होंने पिछले दिनों इस्लामाबाद में पिछले चंद दिनों से मुसलसल जो है वो ज़ियाफ़तों का सिलसिला चल रहा है, दोपहर को भी खाना होता है रात को भी खाना होता है, दोनों तरफ से जो है वो लोग जो है वो खाने पर जो है वो बुलाए जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उन ज़ियाफ़तों में जिन लोगों ने शिरकत की है वो नंबर्स देखकर भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी भी जो अक्सरियत है वो अपोजिशन ने अपनी बरकरार रखी है। दूसरी इसमें जो सबसे आम चीज़ थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आपस की कोऑर्डिनेशन थी, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज की अपनी एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन थी वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि आप देखिए जब पहले चेयरमैन सेनेट को तब्दील करने की बात हुई थी तो जो मुस्लिम लीग नून के कुछ जो पुराने खिलाड़ी हैं उनकी तरफ से एतराज़ आया था, जो कि बड़े खुश थे चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से, तो उनकी तरफ से एक एतराज़ आया था कि भाई क्या ज़रूरत है इसको हटाने की। तो उस वक्त जो सेनेटर्स मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज के कैंप में समझे जाते हैं, मरियम नवाज के करीब हैं, तो उन्होंने बड़ा ये खुलकर इजलास में कहा था कि ये पार्टी की क्यादत का फैसला है, इस पर आप और मैं जो है वो एतराज़ नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर अगर जिस तरह से याज साहब ने कहा कि अभी तो रिजल्ट अनाउंस होना बाकी है, तो ये अगर ये सादिक संजरानी साहब जो है वो उनके खिलाफ तहरीक आदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो ये फैसला होगा मरियम नवाज का और बिलावल भुट्टो जरदारी का। थैंक यू। सही, ठीक है। अच्छा तो दूसरी चीज जो मैं इसमें ये कह रहा था कि जो कॉन्फिडेंस की बात है वो तो एक नंबर्स की आपको वहां से आ रही है, मगर मैं जाती तौर पे समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था। जब पहले हटाने का फैसला हुआ और उस वक्त ये कहा गया कि अपोजिशन चेयरमैन सेनेट को हटाना चाहती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कोशिश करना कि वो चेयरमैन सेनेट को बचाएं, जाहिर बात है ये उसी सूरत में बच सकते थे जब कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते, हॉर्स ट्रेडिंग करते। तो ये जो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने किया कि हम चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के साथ खड़े हैं और उनको हटाने की किसी भी कोशिश को जो है वो नाकाम बनाएंगे, तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने असूल हैं और जो हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से वो बातें करते रहे। रहमान हमारे साथ हैं, बिल्कुल सही। हम जरा लेटेस्ट अपडेट्स ले लें, खालिद महमूद से भी वापस आते हैं। जी खालिद, इस वक्त बहुत दिलचस्प सूरत हाल है सेनेट में, वोटों की गिनती जो है वो इस वक्त जारी है, लेकिन जो 3 टोकरियां रखी गई हैं उसमें जो वाजे नजर आ रहा है कि 5 वोट जो हैं वो इस वक्त मुस्तरद हुए हैं। जो गिनती जारी है, एक सादिक संजरानी की टोकरी रखी गई है और एक दूसरी जो है वो हासिल बजिंजो के हक में जो वोट है करारदाद में उसमें रखी गई है, जबकि एक जो टोकरी है वो मुस्तरदशुदा वोटों की है, उसमें 5 वोट अभी तक मुस्तरद जो टोकरी रखी गई उसमें 5 जो बैलेट पेपर है वो रखे गए हैं। इस तरह इस सूरत हाल में जो हुकूमती अरकान है उन्होंने ईवान में नारेबाजी की और सादिक संजरानी को मुबारकबाद दी,
जो सामने नजर आ रहा था कि वान में हुकूमती अरकान खड़े होकर सादिक संजरानी के हक में नारे लगा रहे थे, उन्होंने अपने बाजू भी ऊपर उठाकर नारेबाजी की, जिस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उनको डांट कर नीचे उठा दिया कि अभी वोटिंग का मरला जो है वो जारी है। लेकिन चूंकि दोनों अरकान के जो पोलिंग एजेंट मौजूद हैं, नुमान वजीर हैं हुकूमत की जानब से सादिक संजरानी की जानब से, जबकि दूसरी जानब जावेद अब्बासी मौजूद हैं, जो नुमान वजीर हैं उन्होंने अपने अरकान की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि हमें अक्सरियत हासिल है, जिसके बेंचों का तमाम अरकान खड़े होकर उन्होंने मुक्के लहराए और उन्होंने अपोजिशन की तरफ देखते हुए जी। ठीक है खालिद, अब ये वाकई एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि वोट मुस्तरद भी हुए हैं। अब खालिद दोबारा हमारे से लाइन पे आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि क्या कोई रीज़न भी पता चल सकी है कि वो टोकरी जिसमें मुस्तरदशुदा वोट हैं उनकी तादाद भी बताइए। उन्होंने कि 5 हैं, उसके बाद नारेबाजी भी की गई है अपोजिशन बेंचों की जानिब से और सादिक सिंजरानी को पेश की मुबारकबाद दे दी गई है एक किस्म की। मुस्तरद वोटों पर मरकल अपोजिशन के वो जब पोलिंग एजेंट है वो इतराज कर रहे हैं और ये फिर खुश नजर आ रहे हैं अपोजिशन हुकूमती अरकान एग्जैक्टली। अच्छा फिर खास तौर पर अगर शेख रशीद साहब या फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा जो हैं उनके अगर कल से आज तक के बयान को देखा जाए तो कुछ और ही सीन लग रहा है मुझे, अगर आप गौर से देखें जमील, हमारे पास फुल नारेबाजी और ये शिबली फराज साहब काइंडली अपने मेंबरान को कहीं सीटों में आराम से बैठे, डिसिप्लिन का तकाजा, बिल्कुल खुशी बाहर मनाएं जितना हो सके हाउस के बाहर, औरंगजेब प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ दिस हाउस प्लीज। ये तोड़ गया कितने 54 है, हाँ नहीं 54 फेवर में है आपके। इस वक्त सूरत हाल आपसे हम ऐवान बाला की शेयर करते हैं। सैनेट में अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग हो चुकी, गिनती का अमल इस वक्त जारी है और हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। 5 वोट मुस्तरद होने के बाद अपोजिशन बेंचों से एहतजाज किया गया है और मुबारकबाद दी गई है PTI अराकीन को और उसके बाद हमने ये भी देखा कि नारेबाजी भी की गई है हाथ उठा उठाकर, जिसके बाद डेकोरम जो है वो इस हाउस का रखने के लिए वहां पर कहा गया। लेकिन अभी भी जो वोटिंग की गिनती का अमल जारी है उसमें एक दिलचस्प सूरत हाल ये है कि वोट मुस्तरद भी हुए हैं, टोटल वोट 100 कास्ट हुए हैं, अब 100 में से 5 मुस्तरद हो गए हैं जी। हाउस इन ऑर्डर काइंडली, ताज अफरीदी साहब प्लीज रिज्यूम योर सीट। अहमद खान प्लीज। ऑल द वोट्स हैव बीन काउंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव।